समाजवादी कुनबे की लड़ाई अभी थमी ही नहीं थी कि इसी बीच सुलगती हुई आग को हवा दे दी लोकदल की प्रचारक लिस्ट ने, जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर था। वहीं गुरुवार को हुई पीसी के बाद भी सभी की नजरें इस पर टिकी हुई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता लोकदल में शामिल होने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ नेता रघुनंदन काका, जिनसे हम बात करेंगे आने वाले चुनाव के बारे में। जी सर, ये जानना चाहेंगे अभी हाल ही में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत, अखिलेश, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भूल गए, उन्होंने कहा था कि गठबंधन की सरकारें टिकाऊ नहीं होती, और उन सरकारों के गठन का जो पूर्व का अनुभव है वो बड़ा खट्टा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि मुलायम सिंह के कुनबे का, उनके पारिवारिक आंतरिक मामले में कोई विवाद नहीं है, राजनीतिक प्रश्न था जिन विधायकों का, सिटिंग विधायकों का माननीय अखिलेश यादव ने टिकट काटा। लोकदल चूँकि किसानों की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, सुनील सिंह उसके अध्यक्ष हैं, उसके बैनर पर मजबूत चुनाव 200 सीटों पर लड़ा रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारे 50 विधायक विधानसभा में जीत के पहुँचेंगे। मुझको लगता है किसी की कोई स्पष्ट सरकार नहीं बन रही है, तो जो गठबंधन की सरकार बनेगी तो लोकदल के बैनर पर चुने हैं विधायक और शिवपाल सिंह यादव का की अहम भूमिका होगी, ये हमारा अपना मानना है। लोप लुभावने नारों से सरकारें बनती हैं, उनका स्थायित्व तो नहीं होता, न उससे देश को फायदा होता, न समाज को। जब जब गठबंधन की सरकारें बनी है 77-89 और उसके बाद भी, न मायावती मुलायम सिंह का समझौता चला, न बीपी सिंह डीपी लाल का चला, जनता पार्टी बिखरी, जनता दल बिखरा। तो मेरा अनुभव ये रहा है 40 साल के राजनीतिक जीवन का कि गठबंधन की सरकारें कभी कोई टिकाऊ नहीं होती। सर, आप भी समाजवादी पार्टी में थे, अच्छे पद पे थे, तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप लोकदल पार्टी में? मैं समाजवादी में पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। नेताजी जी ने स्वयं कहा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा, और जहाँ भी जुल्म जाति अन्याय है उसके विरुद्ध बोलना चाहिए। तो उन हमारे विधायकों का को अपमानित किया गया, उनके टिकट काटे गए, तो उनके चुनाव और उनके संचालन के लिए लोकदल के बैनर पर उनके कार्यालय से चुनाव का संचालन मैं कर रहा हूँ। मैं सपा में था, हूँ और रहूँगा। जी, तो आने वाले चुनाव में आपको क्या उम्मीद है कि लोकदल कितनी सीट लाने वाली है? हम 50 लोकदल के बैनर पर 50 सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ रघुनंदन काका जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, और उनका कहना है कि अखिलेश यादव लोहिया के सिद्धांतों को भूल रहे हैं जो कि गठबंधन के सख्त खिलाफ थे। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रेश्वर सिंह के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे, लखनऊ।